सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँगा कि अंदमान एंड निकोबार पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने के सभी प्रोसेस, एडमिशन लेते समय आपको क्या क्या सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी में जो आप एलिजिबल कैसे होंगे, एलिजिबल के सारे प्रोसेस, एलिजिबिलिटी होने के बाद वहाँ पर क्या क्या, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, कहाँ का डोमिसाइल आपका होना चाहिए, किस तरह से क्या सारी चीज़ें जानी है, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसेस के इंपॉर्टेंसी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़। ठीक है, जहाँ पर आपको देखना है कि सारी नोटिफिकेशंस कैसे करते हैं, किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना हम पहुंचते हैं वहाँ तक, सबसे पहले मैं यहाँ पर सब सर्च करके बताता हूँ, और सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करते ही मैं न्यू टैब में ओपन हो जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को दिखाई देता है। ठीक है, सबको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना होता है। तो अंदमान एंड निकोबार पॉलिटेक्निक में यहाँ पर आपको बताया जाएगा एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, सभी की डिटेल्स। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में छोटा सा फील करके आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपको सजेशंस मिलेंगे, किसके रिलेटेड, बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड। अच्छा हाँ, तो आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होगी। ठीक है, और फिर आपको सजेशंस मिलेंगे बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें डिटेल्स देखनी थी, कैसे देखनी होती है। इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पर इस एड्रेस पे आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर वो है ये इनका यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इज़ द ऑफिशियल अथॉरिटी दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द कंडक्टेड एट द एडमिशन प्रोसीजर फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट एवरी ईयर। हर साल बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी एडमिशन कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए। बट उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस क्या, किस तरह से होंगे, तो ही आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही हेल्प करती है एडमिशन लेते समय प्रोसीजर, आपकी एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट की। तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी तो ही आप एबल होंगे कि आप एडमिशन ले सकें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, जैसे कि सिविल में हो सकता है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। हाउएवर, तो एडमिशन प्रोसीजर विल बी कंडक्टेड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंदमान। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, थोड़ा सा ठीक है, तो फिर भी तो अंदमान तो ऐसा नाम होना चाहिए कि नाम में थोड़ा मतलब मुश्किलें होती है बहुत लोगों की, बट यहाँ पर मेरा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी कंडक्टेड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, मैं आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड जो भी करेगी उस यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आपको एडमिशन प्रोसीजर को वो कम्प्लीटली जानना जरूरी है और समझना भी है कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर तो आपको पता ही, हर साल बच्चे एलिजिबल होते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले लेते हैं और फिर यहाँ पर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं बच्चे। तो एलिजिबल आप कैसे होंगे, किस तरह से, अगर एलिजिबल एलिजिबिलिटी जाननी है तो आप यहाँ पर देखते रहिए आगे। ठीक है, और ये तो जान लीजिए यहाँ पर कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स कुछ लिस्ट है यहाँ पर कोर्स का, एप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट्स, इसी इंस्टीट्यूट्स में आप यहाँ पर एडमिशन लेने के जो कोर्सेज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग में बताया था आपको, सिविल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा में डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, तो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इन सभी की जो कोर्सेज है ये ऑफर कर दिए, इसमें आप यहाँ पर इन सब में से किसी न किसी एक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो हमें नीचे चलना होगा। तो एडमिशन डेट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एडमिशन डेट जो है, हाँ, तो जैसे कि आप एडमिशन लेंगे, ठीक है,
तो एडमिशन के जो यहाँ पर डेट अभी तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो विल बी अवेलेबल किया जाएगा आगे, तो जैसे ऑफिशियली सर वो आते हैं आपको नोटिफिकेशन, जैसे ऑफिशियली आ जाएंगे तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा अवेलेबल। तो सबमिशन जानना है कि मेरिट लिस्ट कभी होगा, सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको डेट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियली आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा और वहीं पे आपको चेक करना होगा, फिर वहाँ पर देखेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। देर आर नो अदर मोड्स अवेलेबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करते समय आपको जानना जरूरी है कि एलिजिबिलिटी जो सेट किया गया है इस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उस इंस्टीट्यूट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी जानी है फिर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको सारी डिटेल्स अच्छे से ध्यान से ध्यानपूर्वक अच्छे से माइंड से अच्छे से फिल करना होता है, कुछ भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि चेंजेस करने का मौका आपको जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, चेंज नहीं कर पा देंगे कोई बच्चा, एक बार आप फिल कर लेते तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, वो सब सही रहेगा, वही सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि फ़ीस यहाँ पर बताया जाएगा ऑफिशियली कि इस कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगेगा, इस कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का अलग अलग वहाँ पर फ़ीस बताया जाएगा, उस हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिएगा, जो नेट बैंकिंग से अवेलेबल रहेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह भी अवेलेबल रहेगा तो उससे भी कर सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, इसी की हम बार बार चर्चा कर रहे थे, यही चीज़ है आपके सामने आ चुका है। सो सिंपली हम इसे स्टार्ट करते हैं डोमिसाइल्स के थ्रू। तो क्या मतलब बोला कि अगर आप किसी स्टेट में हैं, जैसे कि कहाँ के स्टेट क्या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका वैलिड होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वैलिड होना चाहिए किसका, कहाँ का, अंदमान, नहीं अंदमान, ठीक है, सॉरी बार बार मेरा गलती हो जाता है। तो यहाँ पर अंदमान एंड निकोबार आइसलैंड टू द गेट एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट्स, तो अंदमान का आपके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप बनवा सकते हैं, वैलिड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, डोमिसाइल की बात हो गई, डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, आप कहाँ का, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कितना चाहिए, अगर आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये बोर्ड से भी किए रहेंगे, CBSE या फिर IAS IAS SC, ये होता है ना बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो इससे कम्प्लीट किया या फिर कैसा भी कम्प्लीट किया, तो बट आपने 10th क्लास कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है, 12th क्लास भी आपने कम्प्लीट किया सक्सेसफुली, बस आप क्या चाहिए, आप तो आप एलिजिबल हो गए, तो इतना कम्प्लीट किया तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है यहाँ का तो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, 50%, कम से कम 50%, तो बस इतना कम मार्क्स आपको दे रहा है, अगर आप 50% मार्क्स भी लाएँ तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, ये बस एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर इतने परसेंट वाले बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मार्क्स वाले अगर वहाँ पर बच्चे आते हैं तो वो बच्चे पहले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो समझ रहे आप मेरी बात, तो ऐसा है। और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए बच्चे रहेंगे उन लोग के लिए 45% बोला गया, उन लोग के लिए 45% मार्क्स भी लाते तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 5% की छूट मिलती है वहाँ पे। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है, आपने 12th क्लास पढ़ी उसमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, साइंस चाहिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, समझ रहे हैं, तो ये हो सकता है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों आपके साथ सब्जेक्ट में रहना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो एज क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या है कि वन शुड बी अबो 15, आपका जो ईयर है 15 ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द गेट एडमिशन इंस्टीट्यूट्स में, तो 15 साल आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए हो करके, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात कर रही है, हाँ, देयर इज प्रोसीजर इज नॉट मोर देन 25, तो क्या है बोला गया है कि आपका जो अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है 25 ईयर रहेगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्या है कि 15 से 25 के बीच में अगर आपका एज है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं, 15 से 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, समझिए आप, ओके। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि वो
30 तक रहेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 से 30 तक रहेंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनको कितना साल का छूट मिल रहा है, 15 साल उन लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप लोग को जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन लोग को सिर्फ 10 साल मिल रहा है, 15 से 25 मिल रहा है, तो 10 साल, और यहाँ पर 15 से 30 मिल रहा है रिजर्व कैटेगरी को। 30 तक का एज रहेगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं वो, अच्छी बात है। रिजर्वेशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 5 साल का छूट मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST जो भी हो गया, इन सारे कैटेगरी जनरल को छोड़ के जितने भी कैटेगरी आते हैं सारे। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, हाँ तो इस तरह से। तो और भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको तो मिल ही जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू बच्चों।